Hello guys, good morning. Welcome to an Academy UG Senate. A very good morning to all of you. मेरा नाम अदिति है और आप सभी लोगों के लिए हर सुबह लेके आती हूँ इम्पोर्टेंट सेशन ऑन करंट अफेयर. तो आज भी आप लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट सेशन लेकर आपके सामने हूँ. अन अकेडमी लर्निंग ऐप पर आप मुझे इस नाम से फॉलो कर सकते हैं. थंबनेल पर मैंने आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा था, तो उस क्वेश्चन का आंसर देते हैं और फिर शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो. वीडियो को जल्दी से शेयर कर दीजिए ताकि सारे हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो लाइव आ सकें और वो भी अपनी रिविजन और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकें. माँ जानते तो होंगे ये आप लोग कि मार्च से आप लोगों में फॉर्म फिलिंग खत्म हो जाएगी 3rd of March से, और उसके बाद में मई में आप लोगों के एग्जाम्स स्केड्यूल्ड है. ठीक है गाइस, तो एग्जाम के प्रस्पेक्टिव को देखते हुए जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं और साथ ही में जो जनरल साइंस के जनरल अवेयरनेस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो मैं आप लोगों से डिस्कस करती हूँ. मैंने आप लोगों से थंबनेल पे पूछा था, इंडिया ने गाइस अपना पहला सेंटर बनाया है फॉर वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट. एक ऐसी यूनिट जो बहुत ही लेंथी यूनिट मानी जाती है, बट अगर थोड़ा स्ट्रैटेजाइज करके इसे पढ़ा जाए तो आप अच्छा स्कोर इसमें कर सकते हैं. राइट, तो बताइए मुझे कि वेटलैंड कंजर्वेशन और मैनेजमेंट का जो सेंटर है वो पहला इंडिया में कहाँ खुला था गाइस? कोलकाता, नैनीताल, चेन्नई या फिर कोची? क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछा था और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइस चेन्नई. ये थंबनेल पे क्वेश्चन इसलिए देती हूँ ताकि आप लोग इस कर बारे में थोड़ा सर्च करो, थोड़ा गूगल सर्च भी करोगे इवन तो भी आप कुछ ना कुछ दो बातें ज्यादा ही पढ़ोगे इसको लेकर. तो मुझे इसीलिए ये मेथड अच्छा लगता है. बेसिकली चेन्नई के अंदर गाइस NCSCM यानी कि नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट बनाया गया है, और साथ ही साथ इसी को बोला गया है जो कि एक डेडिकेटेड वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट यूनिट बनाई जा रही है. ये सेंटर एक्सपेक्टेड है भाई कि ये नए पार्टनरशिप बिल्ड करेगा, नए नेटवर्क्स बनाएगा सो दैट नेशनल और इंटरनेशनल एजेंसीज दोनों ही मिलकर वेटलैंड कंजर्वेशन पर लेकर अपना काम कर सके. और इंडिया जिसके अंदर अब टोटल कितनी वेटलैंड हो गए गाइस, ये मैंने आप लोगों को वीडियो में बताया था बना के, 42 डेजिग्नेटेड वेटलैंड है जो हमारे पास में है जिनको आप इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस या फिर रामसर साइट्स भी बोल सकते हैं. करेक्ट, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स है जिन्होंने सही आंसर दिया. वेल डन, वेरी गुड. ठीक है, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. रामसर कन्वेंशन या फिर वेटलैंड्स की अगर हम लोग बात करें गाइस, आप सब जानते हैं 1971 के अंदर आया था, 2nd of February को अडॉप्ट हुआ था, और इसीलिए क्वेश्चन और ज्यादा इंपॉर्टेंस के साथ हम लोग फरवरी में पढ़ रहे हैं क्योंकि ऑफकोर्स इसकी एनिवर्सरी आई है. फर्स्ट ऑफ द मॉडर्न इंटर गवर्नमेंटल एनवायरमेंटल अग्रीमेंट्स की बात की जाए तो मैंने आप लोगों को गाइस एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको सारी चीजें इंपॉर्टेंट बताई थी कि वेटलैंड्स कहाँ कहाँ पर कौन कौन से है, पहला कौन सा था, लेटेस्ट कौन सा है, याद रखिएगा कभी कभी काम आ जाते हैं ऐसी चीजें. राइट, साथ ही साथ गाइस मिशन क्या है इसका? मिशन ये है कि जो भी आपकी वेटलैंड्स है, जो भी आपकी नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की वेटलैंड्स होती है, बायोडाइवर्सिटीज होती है जिनको कंजर्वेशन की, प्रोटेक्शन की, बेसिकली जिनको अवेयरनेस की आवश्यकता होती है, उनके लिए एक इंटरनेशनल और नेशनल एक्शंस का कोऑपरेशन है जो इनके सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अचीवमेंट को कंट्रीब्यूट करता है. तीन पिलर्स है इसके, ठीक है ना, तीन पिलर, जिसमें से सबसे पहले है सस्टेनेबल यूज ऑफ ऑल वेटलैंड्स. ठीक है, साथ ही साथ इनकी डेजिग्नेशन प्रायोरिटी होनी चाहिए एज रामसर साइट्स. रामसर नाम क्यों रखा है? क्योंकि ये ईरान में एक जगह थी जहां पर से ये शुरू हुआ था और जहां ये साइन हुआ था. एक्चुअली वर्ल्ड वेटलैंड डे भी मनाया जाता है 2nd of February. तो ये था आपका क्वेश्चन ऑफ द डे. चलिए मूव ऑन करते हैं आज की तरफ. वीडियो को शेयर आपको लगातार करना है. वेरी वेरी गुड मॉर्निंग जो भी स्टूडेंट हमारे लेट ज्वाइन करे हैं एक दो मिनट, तो आप सभी को गुड मॉर्निंग. मेरा नाम अदिति शर्मा है. अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर आप लोगों के लिए रेगुलर क्लासेस चलती है. आज से हमारा नया बैच शुरू हो रहा है और रिसर्च एप्टीट्यूड का बैच आप सभी लोगों के लिए 12 बजे से लेके आऊंगी. आज इंट्रोडक्शन का दिन है और मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होती है इंट्रोडक्शन की क्लास, जिसमें एक ब्लूप्रिंट मैं आप लोगों को देने वाली हूँ रिसर्च कैसे चलनी चाहिए, आपका क्या पूरा मोटो होना चाहिए रिसर्च पढ़ने का, साथ ही साथ सारी यूनिट्स आप लोगों को एक ब्रीफ नोटिफिकेशन के साथ में मैं डिस्कस करने वाली हूँ. ओके, अदिति 10 मेरा रेफरल कोड है. जिसने भी एनरोल नहीं किया है एनरोल कर लीजिए. जिसको भी प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है वो भी ध्यान रख लीजिए कि अब आप लोगों के जो सब्सक्रिप्शन डिस्काउंट है वो 10% से गिर के 5% होने वाला है. तो जब तक नहीं हो जाता है, फरवरी एंड तक ये हो जाएगा गाइस. अगर लेना चाहते हो तो अभी लो, और फरवरी एंड तक अब भी क्यों वेट कर रहे हो? जब नया बैच बन रहा है तो नए बैच को ज्वाइन करो.
ठीक है। साथ ही साथ आप जानते हो रिवाइज इंडिया इनिशिएटिव चल रहा है, पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट एक इशू है, समझ नहीं आता क्या पढ़े क्या छोड़े। आज आप लोगों के लिए पॉल्यूशन में लेके आई हूँ 11 बजे की क्लास के अंदर 11 AM एयर पॉल्यूशन डिस्कस करेंगे, फ्लाई ऐश से रिलेटेड 5 क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। कमेंट के अंदर लिंक पिन करवा दूंगी तो आप इस पे रजिस्टर कर लेना। 5 PM मैथ्स की प्रैक्टिस है और याद रखिएगा मॉक टेस्ट आपका सुबह 7:30 बजे लगाया है संडे को, फ्री मॉक टेस्ट है, मैं कंडक्ट करवा रही हूँ। इसमें रिसर्च दूंगी, टीचिंग दूंगी, पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट दूंगी और आपका मैथ्स दूंगी। DI भी सोचा था बट अभी देखते हैं DI होगा या नहीं, बट ये 4 यूनिट्स प्रैक्टिस करके आना सुबह 7:30 बजे संडे को, ठीक है। प्लस की बेनिफिट्स आपको जानते ही हो, आप में से बहुत सारे लोग हैं जो आइकॉनिक से मेरे साथ जुड़ रहे हैं, इंटेलिजेंट बच्चे हैं। वैसे भी मैं हमेशा बोलती हूँ नेट वाले एस्पिरेंट्स हो, मैच्योर हो, जानते हो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन क्या आपके लिए लाया है। तो फीस आप देख सकते हैं 12 महीने की फीस कैसी है, ठीक है। ये मेरा पूरा स्केड्यूल कहाँ पर किस वक्त पढ़ाती हूँ आप सब जानते हैं। और ये है गाइज आप लोगों के लिए आइकॉनिक की सब्सक्रिप्शन फीस, बहुत कम है, ये थोड़े दिनों में इंक्रीज हो जाएगी। तो जिसने भी आइकॉनिक लेना है, पर्सनल कोचिंग के साथ में पढ़ना है, ज्वाइन कर लीजिएगा। क्वेश्चन शुरू करूँ गाइज, उससे पहले मैं आप लोगों को एक और स्पेशल न्यूज है जो आज देना चाहती हूँ। आज क्या है गाइज, आज है फ्राइडे, ठीक है, और आज है 5 फरवरी। गाइज द थिंग इज कि 5 फरवरी को आज शाम को 8 बजे हम आप सभी लोगों के लिए एक सरप्राइज इवेंट लेके आ रहे हैं और ये सरप्राइज इवेंट आप सभी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी हो जाएगा क्योंकि आपसे कुछ पर्सनल है जो डिस्कस करने वाले हैं हम सभी लोग आज रात में 8 बजे। इवेंट बन चुका है, एक बड़ा सरप्राइज आप लोगों के लिए है, तो सभी लोग ज्वाइन करिएगा क्योंकि आप कुछ पर्सनल है, कोई प्रोफेशनल काम नहीं है, पर्सनल काम है जो आप लोगों से डिस्कस करने वाले हैं। बहुत प्राउड मोमेंट है हम सभी के लिए, तो जरूर आइएगा। क्या सरप्राइज है अभी नहीं बताऊंगी, रात को 8 बजे बताऊंगी। और 9 बजे जैसा आप जानते हो नाइट कैमरा एक्शन मेरे शिव सर और कृत्या मैम के बीच में जो फाइट चल रही है उसमें भी आएंगे रिसर्च के क्वेश्चंस लेके। ओके गाइस, आज तो जिता देना मुझे भाई, ठीक है ना। तो चलो ये आप लोगों के लिए प्रोग्राम है स्पेशल, उम्मीद करते हैं कि आप लोग जरूर आएंगे और एंजॉय भी करेंगे। चलिए गाइस क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। रिसेंटली श्रीलंका हैज बैक्ड आउट ऑफ एन अग्रीमेंट टू डेवलप ईस्ट कंटेनर टर्मिनल एट कोलंबो पोर्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टू कंट्रीज वर इन्वॉल्वड इन दिस डेवलपमेंट ऑफ पोर्ट। वीडियो बराबर शेयर होना चाहिए गाइस और अच्छे से लाइक भी होना चाहिए, पता चलना चाहिए कि आप सभी लोग आए हो, मजेदार होना चाहिए सेशन, तो शेयर और लाइक दोनों होने चाहिए, डेडिकेशन वहां से भी दिखना चाहिए जब यहां से दिख रहा है। तो कौन कौन सी दो कंट्रीज इंक्लूडेड थी इस कोलंबो पोर्ट के अंदर? देखिए गाइस करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा इंडिया और जापान। इंडिया और जापान ने बहुत सारे स्ट्रेटेजिक मूवमेंट्स लिए हैं एक साथ, कल मैंने आप लोगों को जब बजट बताया था है ना, तो बजट में भी आपको ये चीज डिस्कस करी थी। इंडिया और जापान है गाइस जो मिलके इस टर्मिनल पे काम कर रहे थे और श्रीलंका ने यहाँ पर बैकआउट कर दिया है, ठीक है ना। ये ट्राई पार्टाइट आप लोगों का अग्रीमेंट था जो कि मई 2019 में साइन किया गया था और इसमें एक स्ट्रैटेजिक टर्मिनल तो जो बनाने की बात की गई थी, बट अब फाइनली 51% स्टेक्स जो थे वो होल्ड कर रहा था श्रीलंका, बट अब यहाँ पर जो है श्रीलंका ने बैकआउट कर दिया है और इसी वजह से ये जो काम है ये रुक गया है गाइस। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका बी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर बात कर रही हूँ गाइस UNWTO यानी कि यूनाइटेड नेशंस के वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन की। UN कितना इंपॉर्टेंट है, उम्मीद करती हूँ आप सब लोगों ने मेंशन किया होगा इसको अपने नोट्स के अंदर कि UN आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, UN से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, मैंने आप लोगों को बोल रखा है। अच्छा भाई मुझे बताओ, थम्स अप करके बताओ, रिकॉर्डिंग सेशंस का रिविजन लगाना शुरू कर दिया ना, स्पेशल क्लासेस का? आप में से जो भी सिंसियर स्टूडेंट है वो मेरी बात मुझे पता है कि सुनता होगा, मानता होगा, बाकी जो लोग हैं उनका तो अब मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, बट जो लोग सिंसियरली प्रिपेयर कर रहे हैं मई के लिए या 2021 के एग्जाम्स के लिए, स्पेशल क्लासेस का रिवीजन लगाना बहुत ज़रूरी है। अपनी गलतियाँ ढूंढो और लाइव क्लास में आके पूछो कि मैम मेरा आंसर तो ये आ रहा था, आपका ये क्यों आया। अगर आप इस तरीके से क्यूरोसिटी नहीं लगाओगे, रिकॉर्डिंग नहीं लगाओगे, सेल्फ स्टडी नहीं लगाओगे, कोई मतलब नहीं है गाइस। तो रिकॉर्डिंग लगाना, UN की भी पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन की पूरी एक्सप्लेनेशन मिलेगी आप लोग।
सभी लोगों के लिए कंपलसरी है, फ्री ऑफ कॉस्ट जब आपको कंटेंट मिल रहा है। अदिति शर्मा के नाम से प्रोफाइल है, क्लास ना खुले तो अदिति 10 लगा देना, खुल जाएगा। हाँ बिल्कुल, वेरी गुड। मैंने बोला था करंट अफेयर ब्रह्मास्त्र का रिविजन पीपल डेवलपमेंट एनवायरमेंट के लिए, यूएन वाले का एनवायरमेंट से रिलेटेड आपका हो जाएगा इसका रिविजन, रिविजन्स किया करो, ठीक है। ग्लोबल टूरिज्म जो है वो सफर हुआ है गाइस, और वर्स्ट रिकॉर्ड देखा गया है। क्यों रिकॉर्ड देखा गया है? पेंडेमिक सिचुएशन थी। तो आप लोगों से पूछ रही हूँ कि यहाँ पर WTO जो है उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, वेरी इजी क्वेश्चन। और करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर इसका होगा CB, मिक्स आंसर आ रहे हैं। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? मैड्रिड। स्पेन मैड्रिड इज द करेक्ट आंसर, है ना? स्पेन मैड्रिड, स्पेन की कैपिटल मैड्रिड है इसका करेक्ट आंसर। हर बात में जेनेवा नहीं लगाना होता, हर बात में जेनेवा आंसर नहीं लगाना होता, समझा करो, ठीक है। तो गाइस बात ऐसी चल रही है कि ग्लोबल टूरिज्म ने बहुत सफर किया है, इंडियन टूरिज्म ने भी किया है। अराउंड 74% इंटरनेशनल अराइवल्स जो है वो ड्रॉप हुए हैं, और 1 बिलियन इंटरनेशनल जो है आप लोगों के यहाँ पर अराइवल्स देखे गए थे इससे जस्ट पहले। तो अब आप देख सकते हैं कितना ज्यादा यहाँ पर कमी आ गई है। तो UNWTO देख सकते हैं राइट साइड ऑफ द स्क्रीन, मेरे पीछे दिख रहा होगा आप लोगों को गाइस, मैड्रिड स्पेन, स्पेन की कैपिटल मैड्रिड में इसका क्या है, हेडक्वार्टर है। 1975 के अंदर ये था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इन बेसिकली इज गोइंग टू होस्ट एरो इंडिया। देखो एरो इंडिया का न्यूज बहुत ज्यादा सर्कुलेट हुआ है फिलहाल के समय, तो एरो इंडिया जो है उसका 13th एडिशन कहाँ पर हुआ था गाइस? अभी रिसेंटली बहुत फेमस रहा है ये, चेन्नई, बेंगलुरु, अहमदाबाद, लखनऊ। नहीं, करंट अफेयर ब्रह्मास्त्र या रिविजन की जो मैं बात कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ आप लोगों के लिए स्पेशल क्लासेस में, ठीक है। ये सारी चीजें स्पेशल क्लासेस में की हूँ आप लोगों के लिए। वेरी गुड, बहुत सारे लोग हैं जो इसका सही आंसर दे रहे हैं, गुड। देखिएगा इस करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा क्या, बैंगलोरू। बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं जो हमारे ऑनरेबल डिफेंस मिनिस्टर हैं मिस्टर राजनाथ सिंह जी, उन्होंने ये इनॉग्रेट किया था एरो इंडिया शो, जो कि एक हाइब्रिड मोड पे चला है। और कोविड पेंडेमिक के बाद में ये हमारा पहला था, 13th एडिशन था, फिजिकल मोड भी था और वर्चुअल मोड भी था। 3 से 5 फरवरी के बीच में ये चला, और गाइस 200 MOUs हैं जो साइन किए गए, और डिफरेंट प्रोक्यूटमेंट के बारे में मैन्युफैक्चरिंग एजेंसीज हैं जो इनके बारे में बात की गई। बिल्कुल आज इसका लास्ट शो है, आई थिंक, हाँ आज इसका लास्ट शो है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसका होगा गाइस बैंगलोर, ओके। एरो इंडिया के बारे में मैंने सारी चीजें यहाँ लिख दी है गाइस, कि एक तरीके से बाइनियल इंटरनेशनल मिलिट्री एंड सिविल एयर शो होता है, प्रीमियर इवेंट होता है, जो कि इंटरनेशनल और इंडियन मिलिट्री साथ ही साथ सिविल एयरक्राफ्ट मेकर जो है उन सबको लेके आता है एक जगह, उनकी सपोर्ट इंडस्ट्रीज को, मिलिट्री ब्रेसेस को, है ना, गवर्नमेंट की डिजिनेटरीज को, बिजनेस विजिटर्स को, सबको यहाँ पर एक साथ लेके आने का काम यहाँ पे करता है, ठीक है ना। अराउंड 30 किलोमीटर जो है बैंगलोर सिटी, वहां पर है आपका येलाहन का, ये एयरबेस है जहां पर ये चल रहा था। और बेसिकली अगर हम बात करें 1996 से गाइस ये स्टार्ट किया गया है, 1996 से ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। 2019 के अंदर इसे हल, दैट इज योर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था। चलिए, आप सब जानते हो हर घर जल या फिर हर घर पानी हर घर सफाई मिशन, इस मिशन के बारे में तो भाई आपने सुना ही होगा, क्योंकि हर घर जल आप लोगों के लिए बहुत फेमस रहा था। तो मैं आपसे पूछ रही हूँ हर घर पानी हर घर सफाई, ये मिशन कौन से स्टेट के चीफ मिनिस्टर ने लॉन्च किया है? सिंपल सा क्वेश्चन है बट इंपॉर्टेंट है, बताओ। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आसाम, गुजरात, राजस्थान या फिर पंजाब? हर घर पानी हर घर सफाई, ओके, वेरी गुड। कुछ लोग हैं जो सही आंसर दे रहे हैं, और करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा गाइस डी। डी जो है वो बिल्कुल सही है, आप राइट साइड ऑफ द स्क्रीन पर देख सकते हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी हैं ये, जो कि चीफ मिनिस्टर हैं कहाँ के, पंजाब के, राइट,
हर घर पानी हर घर जल सॉरी हर घर सफाई, ये मिशन यहाँ पर लॉन्च किया गया है जो कि बेसिकली गोल था गाइस, हर गवर्नमेंट का एक गोल है कि 100% पोर्टेबल पाइप वाटर सप्लाई दिया जाएगा आपके जितने भी रूरल हाउसहोल्ड्स हैं बाय द मार्च नेक्स्ट ईयर। तो ये उसी का एक पार्ट है, ये इसी कैंपेन का एक पार्ट है गाइस, है ना। तो करेक्ट आंसर इसका होगा डी, ओके, पंजाब इसका करेक्ट आंसर है। पंजाब की अगर बात कर रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि स्टेट सिंबल की बात करें, स्टेट एनिमल ब्लैक बक, ठीक है ना, स्टेट बर्ड बाज, आप लोगों का स्टेट फ्लावर ग्लाडियस, और स्टेट ट्री शीशम। शीशम बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है ऑलरेडी। मेजर डैम्स की बात करें तो सबसे फेमस डैम यहाँ पर कौन सा है, रंजीत सागर डैम, जो रंजीत सागर जी के नाम पे है, रंजीत सिंह जी के नाम पर है ना। इसको एक और नाम से जानते हैं, कौन जानता है, लिखा भी होगा मैंने, थिहिन डैम इस नाम से भी जाना जाता है, और ये बहुत फेमस है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट जो है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का, उसका भी पार्ट है, पंजाब इरिगेशन डिपार्टमेंट जो है वो इस पर काम करता है। और कहाँ से, रावी, रावी जो आप लोगों की है रिवर, जम्मू एंड कश्मीर और पंजाब इन दोनों की ही बॉर्डर पे बहती है ये, वहां पर है ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आईसीटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑटो मेकर कंपनी हैज पार्टनर्ड विद गूगल टू ऑफर क्लाउड बेस्ड डेटा सर्विसेज। यहाँ पर क्लाउड क्या है ये भी मैं आपको बता दूं, जो लोग रेगुलरली 8 बजे वाला सेशन लेते हैं आईसीटी पढ़ते हैं या जिन्होंने प्लस ले रखा है उनको मैंने बहुत डिटेल में समझाया है इस चीज को कि क्लाउड क्या है। देखिए गाइस, क्लाउड जो है वो एक तरीके का मेटाफर है, किसके लिए यूज किया गया है, एक तरीके का मेटाफर है जो यूज किया गया है इंटरनेट के लिए। आप सभी लोग देखते हैं इसको, क्लाउड किचन, क्लाउड बेस्ड डेटा सर्विसेज, क्लाउड सर्वर, हर चीज क्लाउड। मतलब जैसे घर होता है, देखो आप मान लो कि किसी और स्टेट पे जाते हो, किसी और स्टेट पे जाके थोड़ी ना घर लेने लग जाते हो, जितने टाइम आपको रहना है टेम्पररी आप किराए का घर लेते हो। बिल्कुल वैसे ही क्लाउड बेस्ड सर्विसेज हम लोगों को मिलती है गाइस, जिसमें क्या होता है, मान लो कि मुझे कोई कंपनी खोलनी है, किसी कंपनी को खोलने के पर मुझे बहुत सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होते हैं, मुझे सर्वर चाहिए, मुझे ईमेल एड्रेस चाहिए, है ना, इजी भाषा में समझा रही हूँ, डोमेन नेम सिस्टम मेरे को क्रिएट करना पड़ता है ताकि जो भी लोग आ रहे हैं, जो भी कस्टमर्स मुझे अचीव करना चाहते हैं, मुझसे बात करना चाहते हैं, उनके पास एक एड्रेस होना चाहिए मेरा, ये सारी चीज़ें मैं खुद ओन करूँ, बहुत खर्चा हो जाता है। तो क्लाउड सर्विसेज क्या करती है, एक कंपनी होती है जैसे कि अमेज़न वेब सर्विसेज, AWS का नाम सुना होगा, वो क्या करती है, आप लोगों को किराए का घर देती है इंटरनेट में, WWW की दुनिया में एक किराए का घर दे देती है कि आप वहां पर आइए, अपना सामान रख लीजिए और हमको पैसे दे देना महीने के हिसाब से। अब जैसे किराया महीने के हिसाब से देते हो, यहाँ पर आप जो क्लाउड है उसको कितने टाइम के लिए आपने यूज किया, कितना डेटा बाइट्स आपने यूज किए उसके हिसाब से पे कर दो, कितना इंटरनेट की बैंडविड्थ आपने खर्च करी उसके हिसाब से पे कर दो। तो ये क्या है, एक मेटाफर है इंटरनेट के लिए, याद रखिएगा। UPSC में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है ये कि क्लाउड होता क्या है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, इसलिए जिन्होंने भी मुझसे नेटवर्किंग पढ़ी है आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा कि मैं हमेशा ये जो क्लाउड है या फिर जो इंटरनेट है उसको हमेशा ऐसे बनाती हूँ क्लाउड फॉर्मेट के अंदर, इसीलिए ताकि आप लोग ये चीज़ याद रखें। तो गाइस, कौन सी ऐसी ऑटो मेकर कंपनी है जिन्होंने पार्टनरशिप करी है, देखो यूनाइटेड स्टेट्स की बेस्ड कंपनी जो है फोर्ड, बहुत ही फेमस कंपनी है और बहुत ही अच्छी कंपनी है, पॉश कंपनी है, फोर्ड कंपनी है जिन्होंने गाइस गूगल के साथ में यहाँ पर कोऑपरेशन किया है और सॉफ्टवेयर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्लाउड कंप्यूटिंग डिपार्टमेंट के साथ में मिलके न्यू कंज्यूमर सर्विसेज और मॉडर्नाइज इंटरनल ऑपरेशंस है जो प्रोवाइड करने वाली है। आप सब जानते हो जितनी भी ये बड़ी बड़ी लग्जरी कार्स होती हैं, आप सब तो जानते ही है ना, सब पैसे वाले लोग यहाँ पर देख रहे हैं वीडियो, तो आप लोग तो जानते ही होंगे कि यहाँ पर जो लग्जरी कार्स होती है उनका एक ऑटोमेटिक सिस्टम होता है, सब कुछ ऑटोमेटिक होता है, आपने सिर्फ बैठना ही होता है ना, आप सब ने देखा भी होगा, जिन्होंने नहीं देखा है मूवीज में देखा होगा। तो ये सब कुछ ऑटोमेटेड करने की बात करिए, और अल्फाबेट इंक्रीमेंट जो ऑफकोर्स आप लोग जानते हो गूगल की ही एक एसोसिएशन है, तो फोर्ड और गूगल दोनों ने मिलकर ये काम किया है गाइस, है ना। और डियरबॉर्न जो कि मिशिगन बेस्ड एक ऑटो मेकर है, उन्होंने 6 ईयर पार्टनरशिप को इंक्रीज किया है अपना इस टेक जाइंट, जो कि कौन है, ऑफकोर्स फोर्ड के ही लोग हैं, जो कि इनकॉर्पोरेट करेंगे एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ द गूगल इनटू इट्स फोर्ड एंड लिंकन व्हीकल स्टार्टिंग फ्रॉम 2023। बहुत ही शानदार होने वाला है गाइस ये, है ना। और हम सब एक काम करते हैं, डिसीजन लेते हैं, सब लोग मिलके पैसा कमाएंगे और फिर एक एक फोर्ड ले लेंगे गाइस, ये वाली, है ना, 2 साल में तो हमारी जॉब भी लग जाएगी बढ़िया, क्या कहते हैं। द कस्टमर ऑफ द फोर्ड विल गेट
अब बिल्ड इन गूगल एप्स इंक्लूडिंग इट्स मैप्स वॉइस टेक्नोलॉजी। गूगल आंटी को हम लोग यूज करते हैं ना रास्ता बताने के लिए, जो बीच फ्लाईओवर में हमको लेफ्ट मोड़ने को बोल देती है कि कूद जाए क्या, वो ही वाला सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट टू प्रेजेंट अ पेपरलेस बजट। कल मैंने आप लोगों को इंडिया का, भारत का पहला डिजिटल बजट के बारे में समझाया था, और मेरा जो डोमेन है जिसमें मैं आईसीटी हायर एजुकेशन और आप लोगों के लिए थोड़ा बहुत पीपल एनवायरमेंट लेती हूँ, तो वो वाला जो पार्ट है मैंने आपको समझाया था ना, पहला डिजिटल बजट। मैं आप लोगों से पूछू कौन सा स्टेट है जिसने पहला पेपरलेस बजट है जो दिया है। हाँ, ये बिल्कुल सही बोला अविनाश जी, एंडेवर बहुत ही खूबसूरत गाड़ी, मोपेड मेरी तो फेवरेट गाड़ी है। क्या कहते हो आप, मोपेड भी बहुत बढ़िया लगती है। कल हम यही बात कर रहे थे, मोपेड ले लेते हैं। कौन सा स्टेट है गाइस? देखो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा कौन, ऑफ कोर्स मैंने आपको क्या बोला, अगर यूपी और गुजरात ऑप्शन में दिख रहा है ना, तो एक बारी को तो आप सोच ही लेना कि हाँ ये हो सकता है। क्या बोल रही, यूपी और गुजरात अगर दिख रहा है ना कहीं ऑप्शन में, और यहाँ पर देख सकते हो आप कौन है ये, एक तो मोदी जी और एक योगी जी, तो मोदी जी भी हो गया, योगी जी भी हो गया, देख लीजिए आप, तो योगी जी यहाँ पर दिख रहे हैं आपको, और योगी जी जो है हमारे तो क्या मतलब यूपी के क्या है, हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, और उनकी गवर्नमेंट ने पहला डिजिटल बजट जो है वो शोकेस किया था, सही बात है। तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी जो है उन्होंने पेपरलेस बजट शो किया, और पहला स्टेट कौन सा बना, ऑफ कोर्स यूपी ये बना, ठीक है, जो भी होना यूपी या गुजरात में ही चल रहा है आजकल, तो क्या कहते हो आप, स्टेट गवर्नमेंट जो है वो इसकी प्रिपरेशन बना रही है, इस पेपरलेस बजट जो है वो 3rd week of February के अंदर शोकेस यहाँ पर कर दिया जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो आप ऑल इंडिया रेडियो न्यूज जो है उसका ट्विटर क्लिप मैंने यहाँ पर लगाया है, और यहाँ पर भी यही चीज लिखी है। इससे पहले कि मैं आप लोगों को और कुछ नए क्वेश्चंस बताऊं, मैं आप लोगों के लिए डिस्कस करती हूं हर बार यहां पर कुछ क्वेश्चंस जो आप लोगों से पूछे जाते हैं, जैसे जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड क्वेश्चन जो आप लोगों से पूछे जाते हैं, कब, उस साल के कोई एग्जाम जो हुए हैं उसमें, तो जब अभी रिसेंटली RRB का एग्जाम हुआ है उसमें क्वेश्चन पूछा था गाइज, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ द सॉल्यूशन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बहुत अच्छी बात है, बताओ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसका कॉमन नेम क्या है। याद रखिएगा गाइस, पीपल डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट इस यूनिट के अंदर आपको कुछ कॉमन नेम्स पूछ लेगा, आपको मैच द फॉलोइंग पूछ सकता है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप लोग याद रखिएगा, आप लोगों से पॉल्यूशन वाला टॉपिक भी डिस्कस करता है। मैं पूरा पीपल एनवायरनमेंट नहीं पढ़ाती हूँ, जैसे आप जानते हो पीपल एनवायरनमेंट और हायर एजुकेशन दो यूनिट्स है जो मैं नहीं लेती हूँ, बट पॉल्यूशन वाला टॉपिक मैं छोड़ूंगी नहीं आपके लिए, ठीक है ना। तो आज एयर पॉल्यूशन से रिलेटेड सारे चीजें डिस्कस भी कर लेंगे, क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे, कमेंट में पिन करवा दूंगी। दोबारा याद दिला देती हूँ, क्लास को भूलना नहीं, 11 AM स्पेशल क्लास है, फ्री ऑफ कॉस्ट, क्लास ना ओपन हो तो अदिति 10 रेफरल कोड लगा देना, ठीक है। यहाँ पर क्या करेक्ट आंसर होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कोई मुझे इसका फॉर्मूला लिख के दिखा सकता है, कोई भी, देखो कैल्शियम होता है CA, हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड में क्या होना चाहिए, OH, कोई भी मुझे इसका केमिकल फॉर्मूला लिखकर दिखाए, कैल्शियम की क्या वैलेंसी होती है बताना, और इसका कॉमन नेम क्या है गाइज, इसका कॉमन नेम है लाइम वाटर इसका कॉमन नेम होता है, और देख सकते हो आप फॉर्मूला भी यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए लिख दिया है, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा लाइम वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की एक डायल्यूट एक्वियस सॉल्यूशन होता है, और फॉर्मूला होता है CaOH2, अभी बताया मैंने आप लोगों को कैल्शियम की वैलेंसी होती है +2 और इसकी -, ठीक है, तभी वैलेंसी एक्सचेंज CaOH होल ट्वाइस। तो ये है भाई आप लोगों के लिए क्या, जैसे कि आपने देखा होगा कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जो होती हैं उनमें भी यूज किया जाता है CO2 का, और यहाँ पर भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ये आप सब लोगों को पता होना चाहिए, एज अ इंडियन हम लोगों को ये पता होना चाहिए, स्माइलिंग बुद्धा ये किसका कोड नेम था गाइज, स्माइलिंग बुद्धा किसका निक नेम था, कोड नेम किस प्रोजेक्ट का था, ये रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशंस आफ्टर द क्लाउड बर्स्ट इन उत्तराखंड इन 2013, रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन ऑफ अर्थक्वेक जो कि नेपाल में आया था 2015 में, पोखरान का टू सेकेंड नेशनल न्यूक्लियर टेस्ट आपका 1998 में जो हुआ था, या पोखरण 1
जिसका टेस्ट किया गया था 1974, सक्सेसफुल कौन सा हुआ था? दूसरा वाला हुआ था। देखा होगा आप लोगों ने ताजमहल, पोखरण मूवी है ना, बॉलीवुड में बहुत रेयरली अच्छी मूवीज मिलती है, पोखरण इज वन ऑफ देम, जरूर देखना। परमाणु, द स्टोरी ऑफ पोखरण, इट्स अ नाइस मूवी। कौन सा है, फर्स्ट परमाणु, सॉरी फर्स्ट पोखरण या फिर सेकंड पोखरण? देखो फर्स्ट और टू तो हो नहीं सकता गाइस, ये तो बहुत सिंपल सा ऑप्शन मैं बता देती हूँ आपको, ये नहीं हो सकता है, वन और टू दोनों ही नहीं हो सकते हैं। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 1974 के अंदर जो हुआ था गाइस, उसका नाम रखा गया था, एक बार पहले भी इसको ट्राई किया गया था, तब तो अनसक्सेसफुल हो गया था क्योंकि ऑफकोर्स अमेरिकन सैटेलाइट्स ने हम लोगों को पकड़ लिया था। और उसके बाद हमने एक सीक्रेटिव मिशन किया था और इसका नाम रखा गया था गाइस स्माइलिंग बुद्धा। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने आईबी वाला फॉर्म भरा हुआ है? अभी आप लोगों ने देखा होगा इंटेलिजेंस ब्यूरो का एग्जाम आया है गाइस, आईबी वाला फॉर्म आपने अगर भरा है तो याद रखना उसमें ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। इसरो के जो ऑर्गेनाइजेशंस के पार्ट है, हेडक्वार्टर्स कहाँ कहाँ पर, किस किस का है ना, सतीश धवन कहाँ पर है और इस तरीके के, और वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड बहुत अच्छी बातें पूछी जाती है, वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर इंपॉर्टेंट इवेंट्स, फ्रेंच रेवोल्यूशन से रिलेटेड कुछ ज्यादा डीप में नहीं बट अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो अगर भरा है तो याद रखना ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। स्माइलिंग बुद्धा इसका नाम है, जो कि फर्स्ट न्यूक्लियर वेपन एक्सप्लोजन था इंडिया का, डेडिकेटेड था और पोखरण की टेस्ट रेंज में ये किया गया था गाइस, जिसमें 5 परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जो है उनके कंफर्मेशन के साथ में ये किया गया था। ठीक है, कौन थे इसके हेड? ऑफ कोर्स हमारे द ग्रेट एपीजे अब्दुल कलाम सर जो थे वो इसके हेड थे, राइट? नाम याद रखिएगा इसका। और बॉम्ब क्रिएट करने वाले कौन थे? डॉक्टर राजा रामानंद। करेक्ट आंसर है इसका कौन सा? डी। बहुत बढ़िया, बहुत सारे लोगों ने डी आंसर दिया है। इसी बात पे वीडियो पे एक हो जाना चाहिए लाइक, उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ आज का लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है जंतर मंतर, जो बहुत एक इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट देखते हैं आप दिल्ली के अंदर है, इसकी हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस क्या है? पब्लिक मीटिंग्स, हंगर स्ट्राइक्स, एशियन स्कल्पचर्स, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी। अब तो गाइस फॉर्म भरने की डेट निकल गई, आप सोते रहते हैं क्या? भरा करो भाई, सारे फॉर्म्स भरा करो गाइस, है ना? अब जल्दी से वीडियो को शेयर करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लाइक करना आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि आप लोगों के लिए आज आ रहा है एक बहुत बड़ा सरप्राइज 8 PM इस चैनल पर, जो हमारे लिए पर्सनल इवेंट रहने वाला है। और 9 PM तो आप जानते ही हो, हर फ्राइडे 9 PM फाइट डे होता है, आज भी हमारा फाइट डे है, AS के बैच का फाइट डे है ना? तो मैं भी रिसर्च के 5 क्वेश्चंस दूंगी, इस बार सही होने चाहिए गाइस, ठीक है? बाकी पूरा दिन पढ़ेंगे हम, 11 AM जानते हो मेरी स्पेशल क्लास है, 12 PM प्लस क्लास है, रेफरल कोड अदिति 10 जानते ही है, और 5 बजे आज मैथ्स का प्रैक्टिस सेशन, दोनों का लिंक दे दूंगी, ये भी फ्री क्लास है स्पेशल वाली। आज प्रैक्टिस सेशन में टाइम एंड वर्क करूंगी और साथ ही साथ आप लोगों के लिए सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, SICI एंड टाइम इन वर्क, ये आप लोगों से मैं डिस्कस कर रही हूँ। तो स्पेशल क्लास 11 AM और 5 PM होती है, अदिति 10 रेफरल कोड से ओपन हो जाएगी, क्लासेस में अटेंड करिएगा, देखते हैं कितनी प्रैक्टिस चल रही है आप लोगों की। जंतर मंतर भाई क्यों फेमस है यार, ये आप सबको पता होना चाहिए, ये बहुत फेमस है। एक जंतर मंतर आप लोगों ने देखा होगा दिल्ली के अंदर है, और भी कहीं है क्या गाइस जंतर मंतर, ये मुझे जरा बताना। जंतर मंतर फेमस है गाइस किसकी वजह से? डी ऑप्शन आपका सही है, वेरी गुड। एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी की तरह इसको यूज किया जाता है, जो कि एक ट्राइंगुलर गोलमून इस तरीके से देख सकते हो आप, ऐसा कुछ दिखता है ये, जो कि हाइपोटेनियस पैरेलल है अर्थ की एक्सिस से, है ना? तो बेसिकली ये साइट जो है ये बहुत फेमस है। एक्सक्यूज मी, जी ये साइट है गाइस, महाराजा जयसिंह जी जो थे जयपुर के, उन्होंने भी इसे बनाया है और जयपुर के अंदर भी ये साइट है और बहुत फेमस है। क्लॉक है, वर्ल्ड क्लॉक माना जाता है इसको, और बहुत ही सही जगह है गाइस। 13 द इंस्ट्रूमेंट इज इंटेंडेड टू मेजर द टाइम ऑफ डे करेक्ट टू हाफ अ सेकेंड एंड डेक्लिनेशन टू द सन एंड द अदर हेवनली बॉडीज, जो कि एक बहुत ही सही बात है ना? हाँ, महाराजा हवाई सिंह सॉरी जय सिंह जी, जय सिंह है, सवाई सिंह नहीं है, जय सिंह है, जय सिंह, ओके, जय सिंह 2 जयपुर के, उन्होंने इसे बनाया था गाइस।
ठीक है ना। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, हम नेक्स्ट क्लास में चलेंगे गाइज। नेक्स्ट क्लास आपकी कौन सी होने वाली है? आईसीटी की होने वाली है। ऑलरेडी 2 मिनट जो है वो ऊपर हो गए हैं, तो सभी लोग आईसीटी के लिए चलेगा। कुछ कंप्यूटर से रिलेटेड आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो डिस्कस करेंगे, जो आप लोगों के हर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, स्पेशली नेट की बात करें तो। सो 8 AM मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी चैनल पे। चलिए गाइस, थैंक यू सो मच। अच्छा लगा आपको लगा कि मैंने कुछ बढ़िया आप लोगों के लिए यहाँ पर प्रेजेंट किया, तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और सबसे सब्सक्राइब करवाना भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अपना चैनल है, आगे बढ़ाइए इसको। 8 बजे आप लोगों के लिए वैसे भी एक सरप्राइज ला ही रहे हैं। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।